चुपचाप पीछे चले आओ, कोई आवाज नहीं करना, ये बहुत खतरनाक जंगल है। यहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पर हम जिसकी तलाश में आए हैं वो चीज कुछ और है। जरा पीछे की तरफ नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर पीछे से हमला कर दे। राणा साहब, वो है कौन? देखा तो मैंने भी नहीं उसे पहले कभी। चलो। पर राणा साहब, शाम से ढूंढ रहे, रात हो गई, अभी तक नहीं मिला। चलो वापस चलते। चुप। डर गया? राणा के साथ होते हुए भी डर गया तो बुजदिल? राणा साहब, इस चीज से सभी डरते हैं, आज चांद भी पूरा निकला है। पर राणा नहीं डरता, राणा शमशेर सिंह किसी भी चीज से नहीं डरता, समझे? चलो। राणा साहब, धुंध बढ़ती जा रही है, वापस चलते हैं। हाँ राणा साहब। चुप रहो तुम लोग, सिर्फ एक आवाज से डर गए? बड़ी मुश्किलों के बाद तो पता चला है कि वो चीज आखिर है कहां पर। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राणा शमशेर बहादुर उस चीज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जो कोई भी है। कहां चले गए राणा साहब? मेरी तो टांगे कांप रही है। राणा साहब ने फंसा दिया हमको। फंसा दिया हमको? मार तो नहीं दिया राणा साहब को? क्या बोल रहा है? राणा साहब, क्या हो गया राणा साहब को? उसी चीज ने मार दिया राणा साहब को। थैंक यू। लीजिए सर। सर ओ थैंक यू। ऐसा गिरना मेरी लैला। बस ये है कि रौनक बाबा, उनका अपना बच्चा तो है नहीं, फिर भी उन्हें भाई नहीं बेटे की तरह प्यार करती हैं। जान है वो उनकी। अब क्या करे बेचारी, अब मालिक राणा शमशेर की भी मौत हो गई, बस ये छोटा भाई ही सहारा है। देखो तुम मेहमानों का ध्यान रखना ढंग से, ये सब उनके पुराने दोस्त हैं। आज मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से पूर्णिमा, पूरे चांद की रात, कहीं वो ना आ जाए। कौन? यार भाई और एक ड्रिंक लाओ यार। तीन ही तो हुई अभी है। थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। वाह, इसे कहते हैं खानदानी रईस लोग। इस पेंटिंग पे ये स्क्रेच की निशान, यार कौन है ये है? तो ये है राणा शमशेर। वाह क्या बात है भैया। अरे सुनो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये इंसान था बड़ा किस्मत वाला, जो लसिका जैसे खूबसूरत लड़की ने उससे शादी की है। यार 8 बज गए और लसिका अभी तक नहीं है। एक तो इतने साल बाद बुलाया और आज भी लेट। अरे यार ये तो उसकी पुरानी आदत है, पार्टी में बुलाकर हमेशा देर से आता, और अब देखना धमाकेदार एंट्री करेगी।
वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, उसमें कोई मिस्ट्री तो जरूर है। पति के जाने के बाद भी सुना है उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ रही कि लसिका जैसी खूबसूरत लड़की को राणा जैसे बदसूरत आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर मयूर, तुम तो राणा को अच्छी तरह से जानते थे ना? हाँ हाँ हाँ, जानता था। शिकार खेलते हुए एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उनकी। हाय भाई का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। चलो इसी बहाने तुम्हारी खूबसूरती देखने का एक मौका और मिला। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मैडम, रौनक बाबा को बुलाने का टाइम हो गया है, अब तो चांद भी निकल आया है। हाँ चलो। ये आवाज कैसी? दीदी बचाओ, दीदी दीदी बचाओ। ये आवाज रौनक के रूम से आ रही है। दीदी बचाओ, कोई बचाओ मेरे भाई को प्लीज। दीदी रौनक, 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 दीदी, दीदी, दीदी बचाओ, बचाओ, दीदी, कोई मेरे भाई को बचाओ, उसे मार डालेगा। दीदी प्लीज बचाओ, दीदी, रौनक, कोई खतरनाक जानवर लगता है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। संभल के जाना। अंदर तो कोई तूफान आ गया लगता है। बुलेट चला रहा है, कहीं बच्चे को ना लग जाए। हे भगवान, मेरे भाई को बचाओ। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, और ये बातें बाहर क्यों नहीं आ रहा? माधेश, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुमने तो गोली चलाई थी ना, वो मरा नहीं क्या? लसिका, तुम्हारा क्या हुआ? भाई तुम्हारा। मेरा भाई रौनक, 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 कहाँ हो तुम? रौनक, 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 अरे चिप, यहाँ तो कोई भी नहीं। ओह माय गॉड, अगर ये कोई नहीं तो माधेश को किसने मारा? रौनक को कुछ हो गया। रौनक कहाँ है? ये आवाज वहां से आ रही है। रौनक, दीदी, रौनक, 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 क्या हुआ रौनक? वो क्या हुआ रौनक? कौन था वो? अरे खून, लसिका, लसिका, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब पेंशन की वजह से हुआ है। समीर, एक काम करो, जरा पानी लेकर आओ, तब तक मैं रौनक को देखता हूँ। ओके, जल्दी। बेटा तुम घबरा क्यों रहे? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा रौनक, साफ साफ बताओ कौन था वो? ये लगता है बहुत बुरी तरह डर गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। अब हम क्या करें? कोई फायदा नहीं। पता है ना माधेश की क्या हालत हुई थी, और रौनक ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। कल सुबह तक इसे आराम करने देते हैं। ये लो पानी, लो लसिका, पानी, लसिका, लसिका, लसिका संभालो।
समीर चलो रौनक को बिस्तर पर लेटा देते। वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। सच में दिल दहला देने वाली आवाज थी। आदमी था या जानवर कुछ समझ में नहीं आ रहा। रौनक रौनक देश का खून इतनी बुरी तरह से हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोग तो खुशियां मनाने आए थे, पता नहीं क्या हो गया। पर लसिका ये चीज है क्या? इतनी भयानक आवाज। ये इस घर पे एक श्राप है। ये हमारे वंश पे एक श्राप है। फिर वापस आ गया है। ये सब तुमने पहले नहीं बताया? मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि ये होता क्या है। लेकिन ये आज ही क्यों हुआ? क्योंकि आज चांद पूरा निकला हुआ है। ओह, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि महादेश को आखिर मारा किसने? क्या मालूम। अरे यार वो दिखाई दे तो हम उससे लड़ भी ले, पर वो तो पता नहीं कहां गायब हो गया कमरे से। महादेश ने तो गोलियां भी चलाई थी। किसी ने तो मारा है महादेश को, चेहरा फाड़ के रख दिया उसका। हम लोगों को भाग जाना चाहिए यहाँ से। ये कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? यार मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं वो भयानक आवाज को याद करके। हम में से कोई नहीं बचने वाला। प्रेम ठीक कह रहा है, आप लोग जाइए, मैं सब कुछ संभालूंगी। लसिका मुझे लगता है हम सबको साथ चलना चाहिए। तुम अपने भाई को भी ले चलो। नहीं आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगी। लसिका हम सबको साथ चलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो चीज हमसे नाराज है। मयूर ठीक कह रहा है, अब मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तुम सब बुजदिल हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती लसिका को यूं अकेले छोड़ के जाते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है समीर। अरे लसिका अपने आप से कह रही कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं इसके पास ही रहूंगा। तो जो दिखाई नहीं देता और इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ कर देता है, जिसकी आवाज नहीं सुनाई देती, हम लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं तो यहां एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। बहुत जोश दिखा रहे थे, सब पुराने दोस्त मिलकर बैठेंगे और वो भी राणा शमशेर की हवेली में। अरे अभी तो सिर्फ माधेश गया है, पता नहीं हम सबका क्या होगा। ये कैसी रोड है यार। चलो अच्छा हुआ मैं उस हवेली से तो निकल आया, उस भयानक चीज के हाथों मरने से तो इस रोड पे धक्के खाना अच्छा। कुछ रख लिया ना? हाँ। दोस्त देखो हम लोग यहाँ वापस नहीं आने वाले, समझा? समीर अपना ख्याल रखना दोस्त। ठीक है ठीक है। डरपोक। बाय लसिका। बाय। कहीं वो यहां तो नहीं आ गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, शराब पीने के बाद तुम्हें कुछ सूझता भी नहीं। आदत है यार मयूर, लेकिन जो भी हो यार, लेकिन यार लसिका को वहाँ ऐसे अकेले छोड़कर आने को दिल नहीं कर रहा था यार। मैंने कौन सा बोला था कि तुम मुझे साथ में पार्टी में ले चलो? तुम ही मुझे घसीट के ले गए थे, अब हमारी मौत की पार्टी बनने वाली है यहाँ पर। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन यार समझ रहा है लसिका को अकेले यार। दिवाकर
तू चाहता तो मैं तुझे यहाँ पे उतार देता हूँ। तू जा अपनी लसिका के पास, मैं आगे निकल लेता हूँ। अरे क्या यार, जंगल में छोड़ेगा यार। यार दिवाकर, ये तो प्रेम की गाड़ी लगती है। लेकिन ये हॉर्न क्यों बजा रहा है यार? दिवाकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नल भी कहता है यहाँ से निकल लेते हैं, चल। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं यार, दोस्त को ऐसी हालत में छोड़ के? अरे नहीं, दोस्त से प्रेम अपना, चल देखते हैं ना, चल ना। चल यार दिवाकर, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जंगल में कब क्या हो जाएगा। तो फिर क्या अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़कर? रुक रुक, देखते हैं उसे कुछ हुआ कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे ये हवा भी इतनी चल रही है। ए प्रेम, प्रेम, अरे क्या? अबे खड़े खड़े क्या देख रहा है? प्रेम मार दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज वहां से आ रही है। दिवाकर सर, चल भाग लेते हैं। अब कहाँ भागेंगे? अरे इस रात को और कहाँ जाएंगे? हवेली में वापस जाएंगे। चल चल दिवाकर चल। कैसे यार, तूफान बढ़ते जा रहा है। देख देख, मेरी बात सुन दिवाकर, जान जाने से बेहतर यह है कि हम इस तूफान में घुस जाते हैं। क्या बोल रहा है? सुन मेरी बात सुन, देख मैं एक रास्ता जानता हूँ, एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट लेंगे ना तो ब्रिज के उस पार पहुंच जाएंगे। चल 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 चल, हमारे सब भागने के रास्ते बंद हो रहे हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, चल। तो ये क्या, ये क्या दिमाग, क्या खेल बस के? आप क्या करें दिवाकर? दिवाकर और मयूर दोनों कार निकले। कोई बात नहीं, जान किसको प्यारी नहीं होती। मतलब कोई किसी को अकेला ही छोड़ के जाता है क्या? तुम इन दोनों को कुछ ज्यादा भाव देते हो। समीर, वो लोग दोस्त हैं। अच्छी दोस्ती निभाई उन्होंने, सिर्फ खाने पीने के लिए आ गए थे, जब मुसीबत आई तो भाग निकले। मुझे देखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं, सिर फटा जा रहा है मेरा। ठहरो, मैं जरा पानी लेकर आता। लसिका, समीर क्या हुआ? लसिका ये, ओह माय गॉड, ये सच होकर रहेगा? पहले मेरे ससुर, अब मेरे पति। लेकिन मैंने तो सुना था कि राणा साहब की मौत शिकार करते हुए हुई थी। मैंने भी सुना था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वो ये सब श्राप की वजह से हो रहा है। ये एक इशारा है, वो बात सच होके रहेगी। मेरी और मेरे भाई की बारी है। कर मयूर, तुम लोग वापस आ गए? सभी प्रेम मर गया। क्या, प्रेम मर गया? हाँ, और उसे उसी ने मार डाला जिसने मादेश को मारा था। मैंने कहा था ना, वो श्राप सच होकर रहेगा। लसिका तुम कमाल करती हो, जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो यहाँ क्यों बुलाया हम सबको? देखना, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हम में से कोई नहीं बचेगा, सब यही मरेंगे, सब मरेंगे। अरे तो
लसिका, घबराने से कोई फायदा नहीं, रो रो मत, शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, मेन रोड के अलावा भी यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है क्या? हवेली के पीछे एक रास्ता है। अच्छा। एक टूटी फूटी सड़क है। समीर, मैं कहता हूँ वहीं से निकल लेते। चलो चलो चलो। नहीं, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वहां जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, हमें वहां से नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ फंस गए, हमें अब रात भर अपने अपने कमरों में छुप कर रहना होगा। देखते हमारे दो दोस्तों को मार डाला उस मुसीबत ने। अगर हमारे होते लसिका को कुछ हो गया तो हमारी दोस्ती का क्या फायदा? तुम अब भी उसके पीछे पड़े हो। अरे लसिका को छोड़ो, अपनी जान के बारे में सोचो। आज जो हम इस मुसीबत में फंसे हैं ना, सिर्फ उसकी वजह से फंसे हैं। उसने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इतनी भयानक चीज है? मुश्किल में दोस्त की मदद करने की बजाय उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। वो बेचारी अकेली औरत अगर हमसे मदद नहीं मांगती तो और किससे मांगती? तुम आज भी उसके प्यार में पड़े हो, इसलिए अंधे हो गए हो। तुम्हें अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मौत नहीं नजर आती। अब वो सब शुरू मत करो। तुम्हें पता ना हवेली में क्या हो रहा है? और तुम इतनी जल्दी भूल गए? जब भी लसिका से हमने मदद मांगी है उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। देखो मैं भी समझता हूं, लेकिन यहां अरे लसिका, तुम मैं समझा कि कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था मुझे मेरी किस्मत के सहारे छोड़ दो। आप लोग वापस आए क्यों? और समीर, तुम भी जाओ, मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। देखो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। एक तो ये तूफान, ऊपर से वो जानवर, ये सब जाने दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये भयानक रात कब खत्म होगी। लसिका तुम मयूर की बात का बुरा मत मानना, वो जरा डर गया है, समझने की कोई। बस रहने दो। लसिक, thank you.
वो यहीं कहीं है। हमारे भी यही हाल होगा। चल चल चल। अरे सुनाई दे रहा है क्या? कोई है यहाँ? पहले तो सब लोग देख रहे थे, सबकी हवा निकल गई क्या? कहाँ चले गए सब लोग? कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ थे तुम? हाँ जी मैं वो ठीक है, लाओ। सुनो हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना है, कोई गाड़ी का इंतजाम हो सकता है? हाँ जी बाहर गाड़ी तैयार है। साहब आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं, लीजिए माथे का पसीना पोंछ लीजिए। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लसिका को बचाने ऐसे ही चले आए, पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कौन बचाएगा। ये क्या क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, कौन सी चीज कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा, लसिका भी नहीं मिल रही। ये कौन है? समीर? समीर यार क्या कर रहे हो? समीर लसिका कहाँ है? समीर 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 Yeah.
मैं इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कोई है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लसिका, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा। कहाँ थी तुम? हमें ऐसे चलना चाहिए। चलो लसिका, चलो लसिका, चलो लसिका, चलो चलो लसिका, लसिका। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए मैंने एक जाल बिछाया था। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि राणा परिवार पर एक श्राप है कि मरने के बाद ये लोग हैवान बन जाते हैं। शिकार वाले एक्सीडेंट के बाद जब शमशेर गायब हो गया तब मैं भी भागने वाली थी, लेकिन वो जानवर बनके वापस आ गया। तुम्हारा मतलब है कि वो जानवर राणा है? हाँ, और मैंने उसे काबू में रखने के लिए एक तरीका सोच लिया। ये देखो, इसलिए वो मेरे और रौनक के करीब भी नहीं आ सकता, और मैं उससे कुछ भी करवा सकती, कुछ भी। लेकिन तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरी शादी राणा से करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राणा तुम्हें पैसे दे रहा था। इतने बदसूरत इंसान के साथ तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो मर गए। कि तुम कभी एक इंसान थे और मैं तुम्हारा दोस्त था। लाला नहीं, नहीं लाला, लाला नहीं। इधर आओ, बैठो। ये देखो, ये खास नेकलेस है, इसे हमेशा अपने पास रखना। गुड बाय। राणा कि तुम यहां से हो, करो मत रौनक, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं जानती हूँ ये श्राप ऐसा है
मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। डरो मत, इसके बाद हर दर्द खत्म हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें फिर कोई हमें धोखा नहीं देगा।